इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के बारे में, सोलाना, जीटो और ईवो के बारे में। ईवो न्यू लिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसकी हाल ही में लिस्टिंग बाइनेंस, बायबिट और भी बहुत सारे एक्सचेंज पे हुई है। तो फंडामेंटली कैसे हैं ये प्रोजेक्ट, क्या आपका टारगेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्त, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोलाना का। इसका करंट प्राइस आपको $166 के रेंज में देखने को मिलता है, 11% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 149 से लेके 168 के रेंज में देखने को मिलता है। आपको याद होगा हमारी पहली बाइंग $18 से लेके $16 के रेंज में हुई थी, तो उससे ऑलमोस्ट हमें 10x का रिटर्न मिल गया है और यही टारगेट मैंने आपको बताया था बाइंग के टाइम। अभी भी जो हमारा मिड रेंज का टारगेट है वो $200 के ऊपर है और लॉन्ग टर्म में ये आपको $600-$700 का टारगेट दे सकता है, तो आपने अभी भी इसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के लिए। फर्दर किस करेक्शन लेवल पे आपकी बाइंग होगी अगर आपने बॉटम मिस कर दिया है, तो ये चीज़ आपने समझना है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 73 बिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 6 बिलियन है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती जाएगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 443 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 571 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बाइंग होगी वो मिनिमम इस टारगेट के लिए होगी और ये जब 90% के अराउंड डाउनफॉल पर चल रहा था तब मैंने आपकी बाइंग कराई थी। अब आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ 35% के डाउन ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, मतलब ये टारगेट आपको इजी मिल जाएगा। अब अगर इसके हम लिस्टिंग की बात करें तो ये आपको ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंज पे मिल जाएगा, जिस मर्जी एक्सचेंज से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और यूज केस भी बहुत सारे हैं, इसलिए आप यहाँ पे बिना डरे अपना लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं लो लेवरेज के साथ या फिर स्पोर्ट में बाय कर सकते हैं। मिनिमम आपका टारगेट मैंने आपको दिखा दिया है और मैक्सिमम आपको बता दिया $600 तक का हो सकता है, बाकी हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके और समझेंगे इसके पैटर्न को। अब अगर हम जीटो की बात करें तो जीटो का करंट प्राइस आप $3 के अराउंड देख सकते हैं, 9.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.69 से लेके 3.24 के रेंज में देखने को मिलता है। तो आपको याद होगा हमारी जो बाइंग हुई है वो हुई है 1.4 से लेके 1.5 के रेंज में, और मैंने आपको टारगेट दिया था कि $3 का हमारा मिनिमम टारगेट होगा और मैक्सिमम टारगेट हमारा $10 तक जाएगा। तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो करके बाइंग करी है वो अपने मैक्स टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। करेक्शन पे कहाँ आपकी बाइंग होगी ये हम समझेंगे इस वीडियो में। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 358 मिलियन का देखने को मिलता है। धीरे धीरे इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है और मैंने आपको बताया था कि ये बढ़ के 1 बिलियन के ऊपर जाएगा, उस टाइम जो आप इसका करंट प्राइस देख रहे हैं इसके 3x जा सकते हैं हम, मतलब $9 आपको इजी मिल जाएगा। अगर इसके हम 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 212 मिलियन का देखने को मिलता है। सिमिलर चीज़, जैसे जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती जाएगी इसके प्राइस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। न्यू प्रोजेक्ट है तो लिस्टिंग के साथ इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, इसका प्राइस भी बढ़ेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है। अगर आप इसकी इन्फो को देखेंगे तो यहाँ आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी आपको, जहाँ जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब न्यू प्रोजेक्ट है तो हम इसके प्रीवियस जो हमारा हाई लेवल लगा है उस टारगेट के लिए बाय करके इसको होल्ड करेंगे। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके अबाउट को भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो $6 का लगा है, मतलब हम इजीली इस लेवल को ब्रेक कर देंगे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें ईवो का, जो कि न्यू लिस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो आप देख सकते हैं ईवो का जो करंट प्राइस है वो आपको 2.95 के रेंज में देखने को मिलता है, 11.7% का अपसाइड मूवमेंट है। तो आप करंट प्राइस पे भी इसको बाय कर सकते हैं, फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। यहाँ से भी आप अपना 3x का टारगेट रख सकते हैं ईजी जो आपको मिलेगा। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.64 से लेके 3.67 के रेंज में देखने को मिलता है, मतलब ये अगर अपने बॉटम के साइड में आके और भी आपको डिप बाइंग देता है तो आपके लिए वो भी बेस्ट रहेगा। पर जो स्टिल आप प्राइस देख रहे हैं ये भी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट कैप 324 मिलियन का है, मतलब आप देख सकते हैं कि आते हैं इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अच्छा ग्रो हुआ है। अगर हम 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, ये आपको 967 मिलियन का देखने को मिलता है। सिमिलर अब इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ी घटेगी जिससे कि इसके प्राइस में भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 110 मिलियन है, सप्लाई अभी बहुत कम है मार्केट में,
इसलिए पोटेंशियल इसमें ज़्यादा रहेगा। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है, सप्लाई फिक्स है यहाँ पे, इससे ज़्यादा सप्लाई आएगी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो सप्लाई यहाँ फिक्स है ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। अब अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसकी अबाउट में जाके और रीड आउट कर सकते हैं। इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि न्यू लिस्टिंग प्रोजेक्ट होने की वजह से ना तो इसका जो ऑल टाइम हाई कोई बड़ा है और ना ही ऑल टाइम लो कोई बड़ा है। तो यहाँ पे आप अपनी बाइंग कर सकते हैं इसके अबाउट को पढ़ के या फिर इसके बारे में और भी डिटेल से समझ के कि क्या कुछ हो सकता है इस प्रोजेक्ट में। ये सिमिलर है DYDX के प्रोजेक्ट जैसा जो कि आया था 2021-2022 के राउंड में, तो वैसा ही कुछ मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इन तीनों के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं पहले हमने सोलाना का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है और हम हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहे हैं। तो मतलब जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसी को हम एज अ सपोर्ट यूज करेंगे। तो सिमिलर आपको उसी लेवल से बाउंस देखने को मिला। रिसेंटली मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है तो हमारा सपोर्ट ये वाला लेवल है। आप यहाँ पे बाय करेंगे, आपका जो टारगेट है $160 का होगा, $170 का होगा। तो इसी डायरेक्शन में अभी इसका जो प्राइस है वो मूव हो रहा है। अब जैसे करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, वैसे ही अगर करेक्शन आता है तो आपकी थोड़ी सी करेक्शन पे बाइंग हो जाएगी। आपका जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा $160 के अराउंड में। आप यहां पे पिक करेंगे 180 का और $200 का आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज साइड में आ रहा है। हमारे ईएमए के अकॉर्डिंग भी आपको बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हमारे ईएमए का डायरेक्शन स्ट्रांगली अपसाइड में है और इसके साथ ही आपको जितना भी मूवमेंट देखने को मिला है वो अच्छी वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है। तो हम जब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे ये 180 का भी हो सकता है, 170 का भी हो सकता है, फिर करेक्शन का आपने वेट करना है, करेक्शन भी आपने बाइंग करनी है। ये करेक्शन 8-10% का हो सकता है। एंट्री के बाद मैंने आपको टारगेट बता दिया है लॉन्ग टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में होगा, तो आपने डाउटफुल नहीं रहना। इसका यूज केस अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आपने यहाँ पे अपनी बाइंग करनी ही करनी है। और यही चीज मैंने आपको जब इसका प्राइस $18 के रेंज में था तब भी बोला था। अब अगर हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। यहाँ पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिलता है जिसका हमने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो स्मॉल बाइंग आपकी यहाँ पे हो सकती है और दूसरी आपकी जो बाइंग है वो यहाँ पे होगी। मतलब आपने $3 से लेके और 2.8 के रेंज में अपनी बाइंग करनी है। अगर हम आपके टारगेट की बात करें 3.5 का, $4 का, $60 तक का अपना जो आप इजी टारगेट रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में, यही टारगेट आपका $10-$12 तक जाएगा। क्योंकि ये एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है तो कहीं ना कहीं इसका जो यूज़ केस है वो बुल मार्केट में ज़्यादा होगा। हालांकि जो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है वो अच्छी वॉल्यूम के साथ दिया है। अगर हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होते हैं तभी असेंडिंग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ $3 के अराउंड बाइंग होगी। तो अभी आपने मॉनिटर करना है जीटो को, अभी आपने बाइंग नहीं करनी। बाइंग का लेवल मैंने आपको बता दिया है, हमारी कैंडल्स 200 ईएमए के ऊपर हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो छोटा सा आएगा, फिर आपको स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी। अब अगर यहाँ पे हम ईवो की बात करें तो ईवो आप देख सकते हैं कल ही लिस्ट हुआ है और उसके बाद से आपको इसका जो एक रेजिस्टेंस है वो निकलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम इसके बॉटम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा और ओवरऑल जो यहाँ पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये कमेंट करके आप बताएं कि कौन सा पैटर्न है। इसके बाद से अगर हम आपके टारगेट की बात करें, शॉर्ट टर्म का आपका टारगेट यहाँ 3.3 का हो सकता है, 3.4 का हो सकता है, और अगर हम इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं तो आपको जो यहाँ $7-$8 तक का टारगेट मिल जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे बाइंग करनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, क्योंकि न्यू लिस्टिंग प्रोजेक्ट में होता क्या है, पहले एक बॉटम लगता है फिर आपको यहाँ अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।